नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा वाईफाई की साला यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं हरियाणा के अंदर 4000 एनटीटी भर्तियों का जो न्यूज पेपर में एड आया हुआ था, वो भर्तियां कब शुरू होगी, होगी या नहीं होगी। फिर बता दूं वहां पर क्या है, जो 4000 भर्तियां वहां पर कौन सा डिप्लोमा चलेगा, वहां पर एक साल का वाला भी चलेगा, NIOS से हो, जहां कहीं से भी आपका 2 साल वाला भी चलेगा, चाहे आपने कहीं से कर रखा हो। अब वो भर्तियां किस वे में आ सकती है, वो भर्तियां आ सकती है जैसे पीछे आपको बताऊं कौशल के अंदर भर्तियां आई थी, वो भर्तियां अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरा जहां तक का आइडिया है, वो भर्तियां उसी पोर्टल से दोबारा आएगी, क्योंकि उसमें लिखा गया था अगर आपके पास 31 दिसंबर 2023 तक आप एनटीटी कोर्स या ECCE कोर्स कर लेते हो तो भी आपका प्रमाण पत्र मान्य होगा। लेकिन वो भर्तियां कौशल के अंदर इंटरप्राइजेस के अंदर आई हुई थी, अब भी यही आशंका लगाई जा रही है, अब भी वो भर्तियां इंटरप्राइजेस के में ही आएगी, यानी कि किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से। अब वो टीचर कहां पे लगाएंगे और कहां कहां पे उनको जॉब मिलेगी, पूरे हरियाणा के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट थी जो मेंशन की गई थी, और 4000 पोस्ट है तो मैं मुझे नहीं लगता कि आप आएगी। मैंने थंबलिंग जरूर दिया है क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड था, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। 4000 भर्तियां नहीं, 4000 प्ले स्कूल जरूर यहां पे बने हैं हरियाणा के अंदर जो कन्वर्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो 4000 वो भर्तियां सरकार का नोटिफिकेशन नहीं था, वो उसमें सिर्फ लिखा गया था ECCE का डिप्लोमा मान्य रहेगा। लेकिन कोई भी सरकारी भर्ती आएगी वहां पर 2 साल का तो मिलना ही मिलना, उसके साथ 1 साल का भी मिलता है। तो इससे यही मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये भर्तियां इंटरप्राइजेस में हो सकती है, और ये भर्तियां वही हो सकती है जो पीछे आई थी, 31 दिसंबर आने वाला है, अभी जनवरी में पता चल जाएगा वो पोर्टल पर दोबारा ऑन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें वही डिप्लोमा तो वही है, कुछ तो उसका आना ही है, या तो ऑफर लेटर आने हैं जनवरी में, क्योंकि 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा, लोगों के सर्टिफिकेट वहां पे संपूर्ण हो जाएंगे, जिन्होंने एडमिशन लिया था, किसी ने जनवरी में एडमिशन लिया था तो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई वहां पर जो भी है इंटरप्राइजेस के अंदर जो भर्ती आनी थी वो देखते हैं ओपन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन होएगी मुझे लग रहा है। लेकिन 4000 जो भर्तियां हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आएगी, वो मुझे लग रहा है यहीं पर कुछ आप पोस्ट आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा पोस्टें आना बिल्कुल भी नामुमकिन है बिल्कुल भी। 4000 एनटीटी की भर्तियां हरियाणा में आ जाती है सरकारी, तो भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कितने लोगों का रोजगार मिल जाएगा। आपको लगता है 4000 भर्तियां सरकार निकाल देगी एनटीटी टीचर की, लगता है? कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो भाई 4000 भर्तियां को तो मुझे कैंसिल था, लेकिन नेक्स्ट माह में वो भर्तियां ओपन हो सकती है, क्योंकि वो बोलेगी हो सकता है भाई 15 जनवरी हो, 10 जनवरी हो, 20 जनवरी, जो भी लास्ट वो रख सकते हैं कि भाई अपना जो प्रमाण पत्र है उसका डिटेल आप डाल दें जिन्होंने 31 दिसंबर तक कर लिया है। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा मैंने काफी वीडियो बनाया उस पर, जब कौशल की भर्तियां आई थी 31 दिसंबर तक का डिप्लोमा मान्य कर रखा था, अगर आपका कोर्स 31 दिसंबर को कंप्लीट होता तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो किस किसने कौशल में फॉर्म भरा था ये मुझे कॉमेंट करके बताएं। और अभी जो भर्तियां चल रही है वो हिसार के अंदर चल रही है, वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर है, वो 12 पोस्टें हैं, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप एक हफ्ते की पहली वीडियो देख लो, वहां पर लिंक भी डाल रखा है, टेलीग्राम में भी लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 4000 भर्तियों का मामला अगले जनवरी में ही मैं आपको बता पाऊंगा फाइनल क्या रहेगा, तो तब तक वीडियो को शेयर करना है, और आपने कितने साल का कोर्स कर रखा है, कब कब आपका क्या आपका डीएमसी घर आ गया है, आपका रिजल्ट नहीं आया, क्या नहीं हुआ, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और हरियाणा से, हरियाणा के बाहर से कहीं से भी कमेंट करना है, अगर आप दूसरे राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, अब भारत के किस राज्य से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और आपको आपके राज्य में कौन सा आपका राज्य है जहां पे आपको एनटीटी भर्ती का इंतजार है, ताकि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लेके आए। वीडियो को शेयर करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में सभी को, आप भगवान आप सभी को खुशियां दे, सारी आपको सभी को जॉब मिले, और मेरी पर्सनल राय होती है आप सभी को जॉब के बजाय बिजनेस की तरफ आप जरूर जाएं, चाहे छोटा हो। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।